के क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है। मरने वाले का नाम जुनैद कारा है और वह गुजरात के नवसारी का रहने वाला है। पिछले कई साल से वह न्यूजीलैंड में अपने परिवार के साथ रह रहा था और वहाँ स्टोर चलाता है। शुक्रवार को वह भी मस्जिद में नमाज अदा करने गया था। इस दौरान हमलावर ने उसे गोली मार दी। इस बीच शनिवार को आरोपी ब्रेंटन हैरिसन टॉरेंट को कोर्ट में पेश किया गया। उसे बिना किसी दलील सुने 5 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मोदी ने इस कठिन घड़ी में न्यूजीलैंड के मित्रवत लोगों के प्रति पूरी एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत आतंकवाद के हर स्वरूप और ऐसे कार्यों का समर्थन देने वाले लोगों की कड़ी निंदा करता है। न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त संजीव कोहली ने कहा कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कई सूत्रों से मिली जानकारी के बाद पता चल रहा है कि भारतीय नागरिकता मूल के 9 व्यक्ति लापता है। इस बाबत आधिकारिक सूचना का इंतजार है। उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ ये गंभीर अपराध है। हमारी प्रार्थनाएं उन परिवार वालों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार वालों को खोया है।